श्री नाभा जी। जरा दोनों भुजा उठा करके एक बार कहिए, बोली श्री नाभादास जी महाराज की जय। श्री नाभादास जी का जन्म हुआ, लेकिन जब जन्म हुआ तो उनके दोनों नेत्र नहीं थे, और नेत्र क्या, नेत्र वाली जगह भी नहीं थी। एक तो होता है ना कि नेत्र में रोशनी नहीं, नेत्र वाली जगह ही नहीं थी, बिल्कुल संपट थी ये जगह, जैसे माथे से गाल तक बिल्कुल सीधी। क्यों ऐसा क्यों था? हमारी हर होनी के पीछे हमारा ही कोई ना कोई कारण होता है। आप सभी जानते हैं मेरे ठाकुर जी ने वृंदावन में 2.5 वर्ष तक तो गोकुल में लीला करी, और उसके बाद वृंदावन में लीला करी। जब मेरे ठाकुर जी वृंदावन में वत्स्य चारण कर रहे थे, यानी बछड़ों को चराने के लिए गए, तो आप सभी जानते हैं, मत भागवत कथा पिछले कई वर्षों से इस प्रांगण में हो रही है, आप सभी जानते हैं कि जब वत्स्य चारण लीला हो रही थी तो ब्रह्मा जी ने देखा कि अरे ये भगवान है क्या, ये भगवान नहीं हो सकता। अरे भगवान तो वो है जो बैकुंठ में बैठा है, 56 प्रकार के व्यंजन भोग पदार्थ आदि जिसके आगे पड़े हो, लेकिन बार 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 संकादिक स्तुति करें, उसके बाद भी एक सी कोर उस भोज उस व्यंजनों पर ना डाले। अरे प्रभु तो वो है जिनकी लाख लाख बार स्तुति करनी पड़े, और ये बालक बछड़े चरा रहा है नंगे पांव, और अपने सखाओं मित्र मंडली के संग जो भोजन वो घर से लाया करते थे वो जूठा पान कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं ना, ठाकुर जी ने वत्स्य चारण लीला में अपने सखाओं का जूठा खाया है, उनकी थाली में से निकाल के स्वयं पाया और अपनी थाली में से उनको पवाया। ब्रह्मा जी बोले कि नहीं भैया, ये भगवान नहीं हो सकता, ये भगवान नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने हेतु, जानने हेतु जिज्ञासा उठी ना मन में, जैसे आप लोगों के मन में जिज्ञासा है कि भक्तमाल कौन है, भक्तमाल का क्या क्या ग्रंथ है, ऐसी ब्रह्मा जी के मन में आ गया कि ये भगवान नहीं हो सकते, ये कोई भैरूपिया है। भगवान के प्रति जिज्ञासा हो, चिंतन हो, अच्छी बात है, लेकिन भगवान के ऊपर संशय हो तो उसका कभी स्वर्ग नहीं हो सकता, उसका कभी मनोरथ पूरा नहीं हो सकता, वो खुद ही अपने बुने जाल में फंस जाता है। ऐसे ब्रह्मा जी भी फंस गए। ब्रह्मा जी ने क्या किया, उनके सारे ग्वाल बाल बछड़े सभी लिए और अपने ब्रह्मलोक ले गए। ठाकुर जी जब लौटे आकर के देखा, अरे मेरे सखा मंडली कहाँ है, मेरे बछड़े कहाँ हैं? लेकिन ठाकुर जी तो अंतर्यामी थे, ठाकुर जी ने पहचान लिया कि ये ब्रह्मा जी की करतूत है, ये ब्रह्मा जी का किया धरा है। ठाकुर जी पहुंचे ब्रह्मलोक और जाकर के देखा, अरे मेरे बछड़े मेरी सखा मंडली तो सब ब्रह्मा जी के पास है, जानते इसके पीछे भी एक लीला है। ठाकुर जी चाहते तो तुरंत उसी वक्त अपने उन बछड़ों को और अपने उन ग्वाल वालों को तुरंत छुड़ा लाते। क्या ब्रह्मा जी कुछ कह पाते बताइए, क्या ब्रह्मा जी कुछ कह पाते? अरे कहिए ना राधे राधे, क्या ब्रह्मा जी कुछ कर पाते? लेकिन ठाकुर जी ने सोचा क्यों ना इस मौके का सदुपयोग किया जाए, क्योंकि वृंदावन में हरिक मैया चाहती थी कि कन्हैया जैसा मेरा भी लाल हो, हर गैया चाहती थी अरे कन्हैया जैसा मेरा बछड़ा हो, मैं अपनी जीभा से इसे चाटूं, हर हर गोपी चाहती थी वात्सल्य भाव में कि मैं कन्हैया जैसा मेरा पुत्र हो, मैं सदैव कलेजे से लगा करके रखूं, अपने हाथों से इसे माखन मिश्री पान कराऊं। ठाकुर जी ने सोचा क्यों ना यही लीला रच दी जाए। ठाकुर जी ने नीचे आकर के सभी रूप धारण कर लिए,
वैसे ही सारी सखा मंडली आ गई, वैसे ही सारे बछड़े बना दिए, और हर बछड़े में, हर सखा में ठाकुर जी स्वयं थे, रूप बना लिया ठाकुर जी ने, अनेक रूप धारण कर लिए, जिससे वहां की जो गोपियां थी उनका वात्सल्य भाव जो था वो पूरा हो सके। दाऊ जी महाराज ने देख लिया, दाऊ जी महाराज समझ गए कि ये आज क्या हो रहा है, आज गैया अपने छोटे छोटे बछड़ों को छोड़कर के आज ये जो बछड़े वन से आए हैं आज इन्हें अपनी जीभा से चाट रही है। आज गोपियां वात्सल्य भाव में अपने छोटे पुत्रों को स्नेह ना करके अपने आज बड़े पुत्र को स्नेह कर रही हैं। ऐसा ही होता है ना, छोटे पुत्र को हम ज्यादा स्नेह करते हैं, बड़े को थोड़ा कम कर देते हैं, लेकिन उल्टा होने लगा, क्योंकि ठाकुर जी की जो लीला थी कि इसी समय सभी गोपियां सभी गायें अपने वात्सल्य भाव को पूरा कर सके। दाऊ जी महाराज ने देखा कि अरे इन सबका तो उद्धार हो गया, लेकिन उन सखियों का क्या होगा जो सखियां चाहती थी कि हमारा विवाह कन्हैया जैसे के साथ हो, कन्हैया के साथ हो। तो दाऊ जी महाराज ने बाबा से कहा, बाबा ये बड़ा सुंदर संवत चल रहा है, क्यों ना जितनी भी कुवारी गोपियां कुवारे गोपाल ग्वाल बाल हमारे गांव में है उन सबका विवाह योगानुसार करवा दिया जाए, उनकी पत्नी मिलान करके। नंद बाबा जी ने कहा, उत्तम विचार है, नक्षत्र मिलाए गए, पत्रिकाएं मिलाई गई और उनका विवाह करवा दिया गया। इतने में एक वर्ष पूरा व्यतीत हो गया और ब्रह्मा जी उधर कभी नीचे आते हैं और देखते हैं, अरे ये क्या है, मैंने तो बछड़े और सखा मंडली ठाकुर जी की सारी अपने पास कैद कर रखी है, ये नीचे कौन है। दो तीन चक्कर ब्रह्मा जी ने नीचे से ऊपर नीचे से ऊपर लगाए, इतने में एक वर्ष पूरा व्यतीत हो गया। इतने में मेरे गोविंद ने एक लीला और करी। क्या लीला? ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी का रूप बना लिया, ब्रह्मा जी का रूप बना करके ब्रह्मा जी के धाम पहुंच गए और द्वारपाल को बोले, अरे भैया सुनो, कोई मेरे जैसा रूप बना करके बहरूपिया घूम रहा है, अगर आ जाए तो बिना सेवा पूजा के मत भेजना। कौन सी सेवा पूजा, समझ गए कौन सी सेवा पूजा? अरे खतौली वाले तो बड़े मतलब भक्त हैं, अगर आवाज नहीं निकलेगी तो कैसे बात बनेगी, जरा मुख से कहिए कौन सी पूजा, समझ गए ना? हाँ, पिटाई वाली, वही जो लॉकडाउन में बहुत करी है खाकी वर्दी वालों ने, कि बिना सेवा पूजा के मत भेजना भैया उस भैरूपिये को। ठाकुर जी जाकर के ब्रह्मा जी के आसन पर बैठे और इधर जब ब्रह्मा जी अपने लोक पहुंचे अपने धाम पहुंचे, द्वारपाल ने आगे से डंडा नहीं हटाया, जो लठ लेकर के खड़े रहते हैं ना, हटाया नहीं, बोले भैया हटाओ। द्वारपाल बोले आप कौन है? बोले देख नहीं रहे हम, ब्रह्मा जी हैं। बोले कौन ब्रह्मा, कैसा ब्रह्मा, तेरे जैसे ब्रह्मा बहुत देखे हमने। ब्रह्मा जी समझ गए, मैंने तो केवल इनके बछड़े और इनके सखा छीने थे, इन्होंने तो मुझसे मेरा धाम ही छीन लिया, प्यारे धाम ही छीन लिया। इस भाव से क्या पता चलता है, ठाकुर जी को अपने भक्त अपने सखा अपने बछड़े इतने प्यारे हैं कि उसके लिए ठाकुर जी कुछ भी कर सकते हैं, तो क्यों ना ठाकुर जी के प्यारों में अपनी गिनती हो। ऐसा ही कार्य सदैव करें कि हम सदैव ठाकुर के हृदय के समीप रहें, हम ठाकुर को अति प्यारे लगे, और ठाकुर को प्यारा लगने के लिए सबसे उत्तम उपाय
श्री भक्तमाल ग्रंथ है मेरे, श्री भक्तमाल कथा। भक्तमाल कथा आप अपने घर पे विराजमान कीजिए। लड्डू गोपाल जी को विराजमान किया हुआ है, किन किनों ने विराजमान किया जरा हाथ उठाओ, किन किन के घर पे ठाकुर जी हैं। तो आप अपने घर पर एक एक भक्तमाल कथा भी जरूर स्थापित कीजिए। आपसे पढ़ी जाए तो पढ़िए, ठाकुर जी को सुख दीजिए। नित प्रतिदिन एक भक्त की कथा ठाकुर जी को श्रवण करवाइए। पता है उससे क्या होगा, ठाकुर जी आपका घर छोड़ के कभी जाएंगे नहीं। ठाकुर जी को भक्तमाल कथा इतनी प्यारी है, कभी आपका घर छोड़ करके नहीं जाएंगे। और किसी दिन कथा ना सुना सको तो ठाकुर जी से कह दो, ठाकुर जी आज मैं किसी कार्य में व्यस्त हूं, आपकी कृपा से तो आपको कल मैं दो भक्तों की कथा सुना दूंगा, कल प्रहलाद की कथा सुना दूंगा, अंतर्यामी जी की कथा सुना दूंगा, त्रिलोचन जी की कथा कल सुना दूंगा। ठाकुर जी उस इंतजार में भी आपका घर छोड़ के जाएंगे नहीं प्यारे, कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। इधर जब ब्रह्मा जी को पता चल गया कि ये मेरी करतूत गलत करतूत है, आप जानते हैं वृंदावन में एक ब्रह्म कुंड है, किस किसने दर्शन किए हैं वृंदावन में जरा हाथ उठाइए, ब्रह्म कुंड के उसमें जो पड़ा जल है जानते हैं वो क्या है। जब ठाकुर जी को ये सारी लीला करनी पड़ी और ब्रह्मा जी को समझ आ गया कि ये मेरी करतूत गलत थी, तो ब्रह्मा जी अपने आठों नेत्रों से रोए, आठों नेत्रों से जो उनका जो जल प्रवाह हुआ, उनके जो अश्रु प्रवाह हुए वो उस कुंड में एकत्र हो गए, उसका नाम ब्रह्म कुंड पड़ा है। ठाकुर जी के समीप आकर के ब्रह्मा जी ने क्षमा स्तुति करी कि हे ब्रह्मा जी आप तो अब तीन लोक के स्वामी हैं, मेरे मन में एक संशय था, यूं तो आपसे उम्र में मैं बहुत बड़ा हूं। ब्रह्मा जी कहने लगे ठाकुर जी से कि यूं तो मैं आपसे उम्र में बहुत बड़ा हूं, किंतु हूं आपका बालक क्योंकि आपकी नाभि से कमल खिला है और मैं कमल से मेरी उत्पत्ति हुई है, मैं आपका बालक हूं। अरे बालक तो 100 बार पाप करता है पर माता पिता कभी रुष्ट नहीं होते, ऐसी अनेकों अनेक स्तुति ब्रह्मा जी कर रहे हैं, अनेकों अनेक स्तुति। लेकिन ठाकुर जी ने एक निगाह भी ब्रह्मा जी की ओर नहीं करी, एक निगाह भी। कई संतों का ऐसा मत रहा कि ब्रह्मा जी ने केवल बछड़े और सखाई तो एक वर्ष के लिए दूर किए थे, उनकी क्षमा स्तुति ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं की। लेकिन गोवर्धन लीला मूसलाधार वर्षा, इतनी वर्षा हुई कि पूरे ब्रजवासियों को मार देने की एक नियति रची गई। लेकिन ठाकुर जी ने उनको तो तुरंत क्षमा कर दिया लेकिन ब्रह्मा जी को नहीं किया। कारण ब्रह्मा जी ने ठाकुर के प्यारों को ठाकुर जी से दूर किया था, इसलिए उनको क्षमा नहीं किया गया। और गोवर्धन लीला में जब मूसलाधार वर्षा हुई, उस मूसलाधार वर्षा के कारण 7 दिन तक ठाकुर जी के प्रिय सखा मंडली ग्वाल बाल ठाकुर जी के समीप पहुंचे रहे, इसलिए उनको क्षमा कर दिया गया। ठाकुर जी ने, मेरे गोविंद ने, मेरे गोपाल ने ब्रह्मा जी को कहा कि मैं तेरे लिए क्षमा तो नहीं दे सकता लेकिन हां पश्चाताप जरूर बता सकता हूं। ब्रह्मा जी दोनों कर कमल जोड़ करके जिज्ञासु के रूप में खड़े हो गए, बोले हे पिता परमेश्वर, हे नारायण, हे गोविंद, हे मेरे गोपाल, आप जल्द बताएं इस पाप से
इस अपराध से मैं कैसे मुक्त हो सकता हूं? तो ठाकुर जी ने कहा कि आपका जन्म पृथ्वी लोक पर नाभा नाम से होगा, नाभादास के रूप में होगा, और आपने नेत्र होते हुए भी बिना नेत्र का कार्य किया है, मेरे सखाओं को, मेरे बछड़ों को मुझसे छीन लिया है, मुझसे दूर किया है, इसलिए आपके नेत्र नहीं होंगे, आपके नेत्र नहीं होंगे। और आपको ऐसा कार्य करना होगा जिससे मेरे भक्त सदैव मेरे समीप रहें, सदैव मेरे पास रहें। उसी वाणी को सत्य करने के लिए नाभादास जी का प्राकट्य हुआ। लेकिन कहते हैं ना कि अनहोनी हो करके रहती है, हो करके रहती है। नाभादास जी का जन्म हुआ, नाभादास जी के नेत्र नहीं थे, संपट थे बिल्कुल। नाभादास जी की उत्पत्ति हुई, उनके पिताजी ने वहां के पुरोहितों को, पंडितों को बुलाया और उनकी पत्री देखी गई और पंडितों ने कहा कि भैया महाराज जी, आपका ये जो बालक है आगे चल करके पूरे जनमानस का कल्याण करेगा, उनको सत्य का मार्ग दिखाएगा, उनको धर्म की राह दिखाएगा। लेकिन पिताजी हैरान थे, बोले भैया अभी तो इसी के ही रास्ते की कोई सूझ नहीं आ रही, इसी को स्वयं को नहीं कुछ दिख रहा, ये संसार को क्या दिशा दिखाएगा? पंडित लोग बोले, पुरोहित लोग बोले कि नहीं महाराज, जो पत्रिका में है वही बता रहे हैं। कुछ समय व्यतीत हुआ, नाभाजी के पिताजी ने अपना शरीर त्याग कर दिया, देह त्याग कर दिया, सूखा पड़ गया उनके गांव में। नाभादास जी को उनकी मैया उठा करके लेकर के जा रही हैं जंगल में कि शायद कोई पुष्प मिल जाए, शायद कोई पत्ता मिल जाए, कोई फल मिल जाए जिससे मैं इस बालक का भरण पोषण कर सकूं, इसकी रक्षा हो सके। माँ का हृदय बहुत कोमल हृदय होता है। एक तो उस बालक को कुछ दिखाई नहीं देता, 40 दिन हो गए माँ ने कुछ खाया नहीं, उस पुत्र ने कुछ खाया नहीं, अरे जल तक ग्रहण नहीं किया, 40 दिन हो गए जंगल में घूमते 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 घूमते, निर्जन वन बिल्कुल। आखिर मैया आकर के बैठ गई एक जगह कि अब इस बालक का भार भी मुझसे उठाया नहीं जा रहा। एक वृक्ष के नीचे मैया ने नाभाजी को बिठा दिया। नाभाजी को एक वृक्ष के नीचे बिठा दिया और स्वयं जल की तलाश में कि कहीं कोई जल मिल जाए, मैं स्वयं भी पी लूं और बालक को भी थोड़ा सा पिला दूं। ये सोचती सोचती जा रही है वन में, लेकिन अचानक माँ को मूर्छा आ गई, मूर्छा आ गई और देह त्याग हो गया, शरीर का त्याग हो गया। निर्जन वन जहां कोई दूर दूर तक किसी मानव की आहट भी नहीं है, उम्मीद नहीं जहां कोई मानव पहुंच सके, शायद किसी शहर में, शायद किसी गांव में होता तो कोई और मैया या कोई पुरुष उस बालक की देखरेख कर लेता, लेकिन निर्जन वन, बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है मां मां, लेकिन उस बच्चे की पुकार सुनने वाला उस जंगल में कोई नहीं, उस जंगल में कोई नहीं। किसी दी रब्बा मां ना मरे, 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 हो किसी दी रब्बा मां ना मरे, किसी दी रब्बा मां ना मरे।
किसी दी रब माना मरे, किसी दी रब माना मरे। जिस्म तो होता है जिस्म तो होता है मगर जिस्म में जान नहीं होती। उस बच्चे को कौन गले लगाता है जिस बच्चे की माँ नहीं होती। जिसको जुबां दी है कुदरत ने वो रो रो के मामा को बुला लेता है। वो बच्चा क्या करे जिस बच्चे की माँ नहीं होती। किसी दिन रब मां न मरे, किसी दिन रब मां न मरे, किसी दिन रब मां न मरे, किसी दिन रब मां न मरे। मैं नहीं बोलना जा, मैं नहीं बोलना, मैं नहीं बोलना जा, मैं नहीं बोलना, नहीं बोलना। तौबा मेरी मैं नहीं बोलना, मैं नहीं बोलना, किसी दिन रब मां न मरे। बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ा बुल्ले शाह कैदा कैदा पर मात पिता दिल में रब बसदा है। इस दिल में रब बसदा है, इस दिल में रब बसदा है। किसी दिन रब मां न मरे, 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 किसी दिन रब मां न मरे,
किसी दी रब्बा सीधी रब्बा मां ना मरे। वो बच्चा 5 साल का बच्चा कहीं चल के जा नहीं सकता, उधर मां को भी मरते मरते केवल और केवल अपने उस पुत्र का ख्याल था कि हे प्रभु एक बालक दिया, उसके भी नेत्र नहीं, सूखा पड़ गया, कुछ खिलाने के लिए नहीं है, कुछ पिलाने के लिए नहीं है, मैं किस प्रकार इसकी रक्षा करूं, मैं तेरे ही सहारे प्रभु इसको छोड़ जा रही हूं। इधर बालक भी बार बार कहीं चलता, किसी वृक्ष से टकरा जाता, फिर गिर जाता। उस वन में उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था, माँ 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 कहता 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 पूरे जंगल में घूम रहा है, लेकिन नाभाजी के बीच में जो ब्रह्मा अंश की जो ज्योति थी वो जागृत होने लगी। और जब प्रभु अपने नाम की ज्योति किसी जीव में जगा देते हैं ना प्यारे, भटके हुए को राह मिल जाती है, सभी भटके हुए को राह। नाभादास जी सोचने लगे, अब इस निर्जन वन में मुझे कोई मानव से आस नहीं रह गई, अगर यहां कोई मुझे बचा सकता है तो केवल मेरा नारायण अब मुझे बचा सकता है। कौन बचा सकता है प्यारे, जरा दोनों भुजा उठा करके कहिए ना, हम भी तो उसी बालक की तरह हैं। जरा विचार कीजिए अपने अपने कर्मों पर, अपने अपने जीवन पर, क्या हम ठोकरे नहीं खा रहे, कभी किसी वृक्ष से टकरा रहे हैं, कभी किस वृक्ष से टकरा रहे हैं। मोह माया में ऐसे फंसे हैं, बच्चे छोटे हैं तो सोचते हैं पढ़ लिख जाएं, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, फिर कुछ कर लेंगे। बड़े हो जाते हैं तो फिर उनकी कुछ जिम्मेदारियां और बन जाती हैं, अब इनका विवाह हो जाए फिर हम ठाकुर जी का भजन करेंगे, फिर पोते पोतियों का लालच आ जाता है, फिर दोते दोतियों का लालच आ जाता है। क्या ये वृक्ष से टकरा नहीं रहे, ये वृक्ष से ही टकरा रहे हैं प्यारे, ये वृक्ष से ही टकरा रहे हैं। अगर बचना है तो केवल और केवल जगदीश पर आस रखिए, केवल उस नारायण पर आस रखिए। आइए, बेशक शब्द कुछ और रहे होंगे नाभादास जी के, लेकिन भाव यही रहा होगा कि हर पल में मुझे कान्हा बस तेरा सहारा है। अब नारायण मुझे केवल तेरा सहारा है, तेरे सहारे के सिवा अब मुझे किसी जीव पर आस नहीं, किसी सहारे पर आस नहीं। आइए जरा दोनों भुजाएं खोल करके ताली बजाते हुए, क्योंकि नाभादास जी को भी इसी भाव के बाद ठाकुर जी ने सहारा दिया है। आप भी यदि सहारा चाहते हैं तो कहने से कतराइएगा मत प्यारे। आइए दोनों भुजा उठा करके पुकारिए, इस जग अंदर तुम बिन कोई और नहीं, इस जग अंदर सारथी के साथी, सब सारथी के साथी, सब झूठा बसाना है, सब सारथी के साथी, सब झूठा बसाना है, हर पल
पल में कन्हैया मुझे तेरा ही सहारा है, मेरी नैया संभालो तुम बड़ी दूर किनारा है, बड़ी दूर किनारा है। वे 5 साल का बालक, ना जाने उसके शब्द क्या रहे होंगे, लेकिन भाव यही रहा होगा कि हे जगदीश, अब कोई ऐसा बहाना हो जग में दोबारा ना आना हो, केवल और केवल तेरे चरणों की सेवा मिली रहे, तेरे चरणों की रज मिली रहे। रोते रोते नाभाजी पुकार रहे हैं, जरा कल्पना कीजिए कि 5 वर्ष का वो बालक उस निर्जन वन में, जहां ठाकुर के सिवा कोई है नहीं उसकी पुकार सुनने के लिए, रोता जा रहा है, बार 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 वृक्षों से टकराता है, गिर जाता है, चोटिल हो गया है। इतने में दो संत उस निर्जन वन के पास से निकल के जा रहे थे, लेकिन आकाशवाणी हुई कि ये संतों, तुम सीधा ना जाकर के दाई ओर मुड़ करके जाइए, आपको एक रतन की प्राप्ति होगी। वे दो संत कौन हैं? अग्रदेव जी और कील देव जी। जरा दोनों भुजा उठा करके कहिए, बोलिए अग्रदेव भगवान की, बोलिए कील देव महाराज की। ये दोनों गुरु भाई हैं,
अग्रदेव जी और कील देव जी। अग्रदेव जी कील देव जी एक दूसरे का मुख निहारने लगे कि ये कैसी आकाशवाणी हुई है, क्या हमारी कोई परीक्षा होने वाली है। आकाशवाणी हुई कि कोई रत्न मिलने वाला है। अरे हम संत है, फकीर है, फक्कड़ है, हमारा रत्नों से क्या लेना देना, क्योंकि आकाशवाणी हुई है प्रभु का कोई संदेश है। इसलिए दोनों गुरु भाई, दोनों संत उसी ओर चल पड़े जहां आकाशवाणी ने कहा। आगे गए तो एक नन्ना सा बालक, कान में पुकार आ रही है, बार बार पुकार आ रही है कि मेरी नैया संभालो प्रभु, दूर किनारा है। रोते रोते वे बालक कह रहा है, मेरी नैया संभालो प्रभु, मेरा दूर किनारा है, नैया संभालो प्रभु, मेरा दूर किनारा है। कील देव जी, अग्रदेव जी समझ गए कि कोई बालक कोई विपदा में है, लेकिन जब पास पहुंचे तो देखा, अरे ये क्या, ये बालक तो कुछ देख नहीं पा रहा, रो रहा है, ये इस निर्जन वन में पहुंचा कैसे, ये कैसे पहुंचा इस निर्जन वन में। उस बालक के पास पहुंचे कील देव जी और श्री अग्रदेव जी, उन्होंने जाकर के पूछा कि बालक तुम कौन हो, कहां से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है, अरे तुम्हारा पिता कौन है, पालनहार कौन है। नाभा जी की जैसे जैसे कोई उम्मीद सी बंद गई। नाभा जी रोते रोते बोले कि भैया, हे संत भगवान, आप ये क्या पूछ रहे हैं, तुम कौन हो, अरे मेरा क्या परिचय है, ये तो देह एक दिन नष्ट हो जानी है, इस देह का क्या परिचय, परिचय तो उस भगवान का है जो अजर है, जो अमर है। आपने पूछा कहां से आए हो, जहां से सारा संसार आया है वहीं से मैं भी आया हूं भगवान, और आप मेरा नाम पूछते हैं, मेरा नाम क्या है, मेरे नाम से क्या तात्पर्य, जो एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, जो एक दिन खाक हो जाना है। अरे नाम तो उस जगदीश का है जो अजर है, जो अमर है, जिससे संसार को लाभ होने वाला है। आप पूछते हो मेरा पालनहार कौन है इस निर्जन वन में, इस निर्जन वन में क्या इस संसार में मेरा कोई पालनहार नहीं है, यदि है तो वही पालनहार है जो आपका है, वही जगदीश, वही नारायण, वही मेरा गोविंद, वही मेरा गोपाल। कील देव जी और अग्रदेव जी एक दूसरे का मुख देख करके प्रसन्न होने लगे कि आकाशवाणी बिल्कुल सत्य हुई थी, आकाशवाणी बिल्कुल सत्य हुई थी। आकाशवाणी ने क्या कहा था, क्या मिलने वाला है, मैं थोड़ा ऊंचा सुनता हूं, पीछे वाले बोले जरा कुर्सी वाले, क्या मिलने वाला था, रतन। कील देव जी अग्रदेव जी प्रसन्न हो गए कि और कोई रतन नहीं, अरे यही वो रतन है जो ठाकुर ने हमें आदेश किया है। कील देव जी अग्रदेव जी मुस्कुराए, उस बालक को गोदी में उठाया और कील देव जी ने अपने कमंडल से जो ही जल लिया, क्यों ही उस बालक के मुख पर छिड़का और उस बालक के नेत्र आ गए प्यारे, उस बालक के नेत्र आ गए। बोले बाकी बिहारी लाल की जय हो। कील देव जी अग्रदेव जी महाराज आपस में कहने लगे, अरे इसके अंदर के नेत्र तो कब के उज्जवल हैं, बाहर के नेत्र कील देव और अग्रदेव जी ने अपनी कृपा से, अपनी भगवत कृपा से, अपने भजन से उनके नेत्र प्रकट कर दिए। नाभादास जी को अब सब कुछ दिखने लगा, वे गोद से उतरे और कील देव जी महाराज और अग्रदेव जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत करने लगे।
कील देव जी अग्रदेव जी महाराज ने उस बालक से पूछा, नाभाजी आपको हम अपने गुरु स्थान पर ले चले? नाभादास जी कहने लगे, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब आप जहां ले चले भगवान, मैं चलने को तैयार हूं। तो अग्रदेव जी कील देव जी जयपुर में गलता गादी नामक एक जगह है पहाड़ी पर, वहां पर उनका गुरु स्थान था, वहां नाभादास जी को ले गए, वहां उनकी दीक्षा शिक्षा की गई, उन्हें वहां का आचरण समझाया गया कि यहाँ रोज संगत की जमात आती है, संतों की जमात आती है, आपको नित प्रतिदिन उनको भोजन पान कराना है, यहाँ की सेवा टहल करनी है, स्योनी सेवा करनी है, झाड़ू बुहार करनी है, संतों के पत्तल एकत्र करके कूड़ेदान तक पहुंचाने हैं, यहाँ पर आने वाले सभी संत जनों की आपने देखभाल करनी है, सेवा करनी है। लेकिन नाभादास जी तो शायद यही चाहते थे, आज वो सेवा कर रहे हैं और कह रहे हैं श्री नामदेव जी से, क्योंकि उन्होंने नाभादास जी ने श्री कील देव जी और श्री अग्रदेव जी को अपना गुरु धारण कर लिया, तो अपने सतगुरुदेव भगवान से निवेदन कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, क्या आइए आप सब भी कहिए। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। जरा एक बार आप सभी पुकारिए और जो पीछे खड़े हैं उनसे निवेदन है कि बैठ करके कथा सुने, कहिए जरा, उधर से कोई आने वाला नहीं है, इधर से ही आएंगे जो आएंगे, जरा दोनों भुजा उठा करके एक बार मेरे संग पुकारिए। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। पुकारिए, पीछे वाले तेरे दर की प्रभु हाजरी सबसे ऊंची है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी हो। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे दर की प्रभु हाजरी सबसे ऊंची है सबसे खरी। तेरे दर पर प्रभु हाजरी सतगुरुदेव भगवान की।
सतगुरु के चरणों के करीब रहना। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे गरीब। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे गरीब। ओ मेरे सतगुरु सबसे खरीदन है। Oh।
ओ मेरे कान्हा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी हो सबसे खरी मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे क्यों क्यों बढ़िया है और क्यों खरी है। यहां तो कोई दाम नहीं मिलता है लेकिन दाम से बढ़कर के जो नाम मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता प्यारे। इसलिए मैंने कहा कि दुनिया में ना कहीं अमीर रहना ना गरीब रहना, रहना तो सतगुरु के चरणों के करीब रहना। कौन कौन भक्तजन यहां विराजमान है जिसने सतगुरुदेव भगवान से दीक्षा ले रखी है, जरा हाथ उठाइए। बहुत सुंदर बात है। लेकिन जिन्होंने दीक्षा नहीं ली ना, आप ये समझ लीजिए जैसे कथा में ये मंगलाचरण चल रहा है ना, ऐसे भी आपके जीवन का मंगलाचरण नहीं हुआ है। आपने जन्म तो लिया है, आप संकीर्तन भी सुनते हो करते हो, कथा सुनते हो करते हो, किंतु आप बिल्कुल उस बालक की तरह हैं जो घर पर बैठ कर के पढ़ तो रहा है लेकिन अभी स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ, एडमिशन नहीं हुआ। जरूर गुरु धारण कीजिए, बिना गुरु के मुक्ति नहीं है प्यारे। और जिनके सिर के ऊपर सतगुरु रहते हैं ना, उनको ठाकुर जी अवश्य मिलते हैं। ऐसा इस भक्तमाल ग्रंथ में साक्षात कहा गया है, एक बार नहीं कई बार कहा गया है, और अभी आप इन तीन दिनों में यही सुनने वाले हैं। जरूर धारण कीजिए सतगुरुदेव भगवान, जरूर दीक्षा लीजिए। जहां पर भी आपका दिल ठुकता हो वहां पर जाकर के आप अपने सतगुरुदेव भगवान से, संत भगवान से जरूर दीक्षा लें। आइए, नाभा जी इस प्रकार सेवा करते हैं सतगुरुदेव भगवान के, धन्य धन्य होते हैं, जय जयकार करते हैं और सेवा में लगे रहते हैं। और आने वाली संतों की जमात सदैव उनसे प्रसन्न रहती है कि कैसा अद्भुत बालक है, एक ही साथ इतनी इतनी पंगत को भोजन करा देता है, पत्तल उठा देता है, साफ सफाई करता है, रात्रि समय शयन के समय कीलदेव महाराज अग्रदेव महाराज की सेवा करता है, उनके पांव दबाता है, खूब प्यारी सोहनी सेवा उनकी करता है। कितना अद्भुत बालक है। एक दिन अग्रदेव जी महाराज मानसिक सेवा में थे। देखिए दो प्रकार की सेवा होती है, एक सेवा जो आप लोग मंदिर में आकर के ठाकुर जी की सेवा करते हैं, पुष्प पहनाते हैं, फूलमाला पहनाते हैं ना, फूलमाला पहनाते हैं, हार श्रृंगार करते हैं। एक होती है मानसिक सेवा जो संत जन करते हैं, बिल्कुल अपनी ध्यान मुद्रा में बैठ करके ध्यान से ठाकुर जी की सेवा करते हैं। मानसिक सेवा में बैठे हुए एक दिन अग्रदेव जी और पास ही में नाभा जी हाथ से पंखा लेकर के उन्हें झुला रहे हैं, पंखे को झुला रहे हैं कि मेरे सतगुरुदेव भगवान को ठंडी ठंडी हवा आती रहे ताकि इनके मानसिक सेवा में किसी प्रकार की कोई दुविधा ना हो, उन्हें ठंडी ठंडी हवा बुहा रहे हैं, हवा बुहा रहे। और इतने में क्या देखा, नाभा जी ने आंख बंद करी, नेत्र बंद किए, अपने गुरु की मानसिक सेवा में पहुंच गए कि वहां प्रिया प्रेतम खड़े हैं, प्रिया प्रेतम खड़े हैं और उन्हें अग्रदेव जी महाराज माला पहनाना चाह रहे हैं, बड़ी सुंदर सुंदर पुष्प की माला। मेरे ठाकुर मेरे गोविंद अपनी श्री किशोरी जी के संग में खड़े हैं और अग्रदेव जी उन्हें बड़ी सुंदर सुंदर पुष्पों की माला पिरो रहे हैं भजनों के माध्यम से और उन्हें पहनाने जा रहे हैं। और जैसे ही ठाकुर जी ने सिर निवाया कि मुझे अग्रदेव जी माला पहना सके,
इतने में अग्रदेव जी रुक गए, अग्रदेव जी एकदम से रुक गए। नाभादास जी ने देखा कि अरे सदगुरुदेव भगवान को क्या हुआ, अचानक माला पहनाते पहनाते प्रियतम ने सिर झुका रखा है, अग्रदेव जी ने माला पहनानी है लेकिन सदगुरुदेव भगवान माला क्यों नहीं पहना रहे। अग्रदेव जी जिस चिंता में थे नाभादास जी समझ गए। अग्रदेव जी का एक शिष्य जो कि नौका के द्वारा, नाव के द्वारा जल मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा था और तेज आंधी तूफान चल पड़ा, भंवर आ गई, उसमें नौका गोल गोल घूमने लगी और वो शिष्य अग्रदेव जी का शिष्य वहीं से ही पुकार करने लगा कि हे गुरुदेव मुझे बचाइए, हे सदगुरुदेव भगवान बचाइए, हे संत भगवान मुझे बचाइए। अग्रदेव जी कुछ सोचते कुछ करते इससे पहले नाभादास जी ने तेज तेज पंखा झुलाना शुरू किया और हवा इतनी तेज हुई कि नौका किनारे लग गई। प्यारे नौका किनारे लग गई, नौका किनारे, और जब नौका किनारे लग गई अग्रदेव जी मुस्कुराने लगे मानसिक सेवा में बैठे बैठे और कहने लगे कि अरे नाभा ये तुमने कैसे जाना, तुम्हें कैसे पता चल गया कि कोई भक्त मुझे पुकार रहा है और मैं कुछ सोचता तुमने उसकी विपदा हर ली, उसके कष्ट का निवारण कर दिया। नाभा जी बोले प्रभु आप जो मुझसे पूछेंगे मैं सब बताऊंगा, किंतु मेरे प्रिया प्रीतम सिर झुकाए खड़े हैं, कृपया कर उन्हें माला तो पहनाइए, कृपया उन्हें माला तो पहनाइए। अग्रदेव जी अपनी प्रसन्नता के कारण, खुशी के कारण भूल गए कि अरे मेरी मानसिक सेवा में मेरे प्रिया प्रीतम तो यूं ही खड़े हैं सिर झुकाए। तो अग्रदेव जी ने फिर नेत्र बंद किए और जा रहे हैं, प्रिया प्रीतम के गले में उन्होंने सुंदर सुंदर पुष्पों की माला पहनाई और आज ना जाने प्रिया प्रीतम आंखों ही आंखों में आज अग्रदेव जी से कुछ कह रहे हैं और पीछे अग्रदेव जी के खड़े मानसिक सेवा में नाभा जी भी गा रहे हैं। आप भी गाइए प्यारे, क्या